हेलो फ्रेंड, तो फाइनली सलार का ट्रेलर हमारे नजरों के सामने आ गया है। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इसको डायरेक्ट किया है। सलार का ट्रेलर हमें वायलेंस से भरा देखने को मिलता है और साथ में एक ऐसी दोस्ती देखने को मिलता है जिसके कहने पर प्रभास पूरी दुनिया को मिटा सकते हैं। जिस साम्राज्य की शुरुआत केजीएफ में होती है, कुछ ऐसा ही साम्राज्य सलार के ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है, जिसको हासिल करने के लिए एक घमासान युद्ध की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें वायलेंस ही वायलेंस दिखाने की कोशिश की जाती है और सारे विलेन एक दूसरे से झुंड में भिड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रभास अकेले ही उस साम्राज्य के बीच में खड़े हैं और ऐसा वायलेंस होता है जिसको देखकर आपको गूस बम आ जाएगा। ट्रेलर में पृथ्वीराज सुकुमार और प्रभास का बचपन का दोस्ती दिखाया है, लेकिन वहाँ पर प्रभास अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर जाने की बात करते हैं, लेकिन कोई भी सीन ऐसा नहीं देखने को मिलता जिससे हमें इमोशनली अटैच कर पाए। ट्रेलर में खानसार का एक 1000 साल पहले का जंगल है, जिसको अब एक साम्राज्य बना दिया गया है, जिस पर जगपति बाबू का राज चलता है, जिसको वो अपने बेटे के हवाले करना चाहते हैं। केजीएफ के विलन गरुड़ा हमें सलार के ट्रेलर में मेन विलन की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जो खानसार के साम्राज्य को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके और उस साम्राज्य के बीच में प्रभास है। ट्रेलर में श्रुति हसन का बस एक झलक देखने को मिलता है, जो कहूँगा ठीक ठाक है, कुछ और दिखाते तो अच्छा होता। ट्रेलर में तो वायलेंस का एक अच्छा झलक देखने को मिलता है, जिसको देखकर यही लगता है प्रभास को इसी फिल्म से एक अच्छा कमबैक देखने को मिल सकता है। ट्रेलर में कई सारे डायलॉग है, लेकिन जगपति बाबू द्वारा बोले गए डायलॉग काफी अच्छा है। ओवरऑल ट्रेलर केजीएफ वाला वाइब्स देता है, लेकिन ट्रेलर अच्छा है। तो आप बताएं ट्रेलर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी मेरी आंखों के सामने।